तृतीय चरण के पंचायत चुनाव के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। तृतीय चरण के पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को चैनपुर प्रखंड के 213 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान के ठीक एक दिन पूर्व यानी गुरुवार को मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजने के लिए ब्लॉक परिसर के ठीक पीछे वाले कैंपस में संबंधित मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारियों को चुनाव सामग्री के पैकेट दिए गए। इससे पूर्व कैमूर के DM नवदीप शुक्ला, SP राकेश कुमार, DDC कुमार गौरव, DRDA निदेशक अजय कुमार तिवारी के अलावे कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कैमूर DM ने मंच से चुनाव कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भयमुक्त वातावरण में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। सभी 213 मतदान केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारियों की टीम चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखेगी। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अंतर्गत चैनपुर ब्लॉक में पंचायत का निर्वाचन कार्य होना है। कुल 213 बूथ है जिन पर यह निर्वाचन होना है। यह 131 लोकेशंस पे हमारे 213 बूथ हैं। इसके लिए कुल 116 PCCB पार्टी, 33 सेक्टर, 6 जोनल और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स के डिप्यूटेशन किया गया है और उनके साथ पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में फोर्स भी उपलब्ध कराएंगे। पूरे प्रखंड के जो लोकेशन हैं, सारे लोकेशन नक्सल प्रभावित हैं। जो 21 लोकेशन ऐसी हैं इसमें जो नक्सल प्रभावित हैं और नक्सल प्रभावित के लिए सुरक्षा का अलग मानदंड है। कंपनी है और सैप के जवान हैं जो हम लोग के नक्सल एरियाज हैं उसमें लगातार लोग मूवमेंट में रहेंगे और ये DSP ऑपरेशन इसको लगातार मॉनिटर करेंगे।